Hello everybody, good evening and welcome to the teacher's page of Ada 24/7 and I am Aishwarya Puri. चलिए लर्न करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आज फिर कुछ और. आज हम अपनी क्लास में काफ़ी आगे आ चुके हैं. हमने विलियम शेक्सपियर के सारे इम्पॉर्टेंट प्लेज, उनके कोटेशंस, इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, प्लेज के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, फिर चाहे वो फूल कैरेक्टर्स हैं या फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस किया है. इसके अलावा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में सबसे पहले चले जाएंगे तो वहां आपको मिलेंगी मेरी क्लासेस ऑन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम ओरिएंटेड हैं. और मुझसे अक्सर बहुत लोग पूछते हैं कि मैम कौन से तरीके का एग्जाम जो है हम दे सकते हैं इससे. तो देखो टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्जाम है, चाहे अभी जैसे यूपी कितनी वैकेंसीज आ रखी हैं, हमारे दो बैचेस ऑलरेडी सक्सेसफुली रनिंग हैं उसमें. तो चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी है, केवीएस है, एनवीएस की वैकेंसीज हैं, उसका भी बैच हमारा रनिंग है, ये सारे ही एग्जाम्स DSSSP किसी भी स्टेट का रिक्रूटमेंट बोर्ड, उन सब के लिए ये टॉपिक्स रेलिवेंट है. क्यों बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये हम मतलब किस एग्जाम में इसको अप्लाई करें, ये इस एग्जाम में रेलेवेंट तो है, क्या उसमें भी रेलेवेंट है. तो देखो कोई भी टीचिंग का एग्जाम है टीजीटी पीजीटी लेवल का, उसमें ये टॉपिक सारे के सारे रेलेवेंट है. तो ये एक घंटे की क्लास मेरे साथ लेके आप अपने आने वाले कितने सारे पेपर्स को जो है सिक्योर कर रहे हो. ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ टुडे. देखिए आज के क्लास में मैं आपके लिए MCQs लेकर आई हूँ. आज की क्लास में जो है मैं आपके लिए MCQs लेकर आई हूँ. इन MCQs के थ्रू जो है हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. इन MCQs के थ्रू जो है हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. और जैसे जैसे हम इन MCQs को करेंगे, ये इस तरीके के MCQs ही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है. ये सारे के सारे MCQs एग्जाम ओरिएंटेड हैं. मेरी क्लास में आपको कोई भी ऐसा मटेरियल या टॉपिक या क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है. मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये मैम तो UGC नेट का इंग्लिश भी पढ़ाती है, उस लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं दे रही है, तो देखिए बहुत अच्छा सेग्रीगेशन है. आपके सिलेबस में UGC नेट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई हैं, ना मैं आपको वैसे क्वेश्चंस देके आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ. मुझे बहुत वैल्यू है आपके टाइम की और मैं आपके टाइम को रिस्पेक्ट करूंगी, तभी आप भी मेरे टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, है ना. तो मैं आपको पहले ही बता दूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके थ्रू हम अपने पूरे सिलेबस के रिवीजन करने की कोशिश करेंगे. और चलिए आज की क्लास को विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं. तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस थियोरिस्ट ने शेक्सपियर की मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी और ट्रेजेडी को डिफेंड किया है. विलियम शेक्सपियर अपनी कॉमेडीज में अपनी ट्रेजेडीज को मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. ये बात कुछ थियोरिस्ट को पसंद नहीं आई थी, लेकिन एक थियोरिस्ट थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के इस प्रैक्टिस को डिफेंड किया है. वो कौन थे, फटाफट से कमेंट सेक्शंस में आंसर दे दें. आंसर्स आने शुरू हो गए. ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. हाँ जी, इसके साथ मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी रिलेटेड भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत से क्वेरीज मुझे आ रहे हैं. मैं रोज़ जब कमेंट सेक्शंस देखती हूँ, मुझे पर्सनल क्वेरीज भी लोगों की आती है, मैं लाइव चैट में भी देखती हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ग्रामर लिटरेचर ग्रामर में क्या अप्रोच रखनी है मैम, कैसे करना है. तो हाँ जी, कोड इनवैलिड शो हो रहा था कल, मैंने किसी का कॉमेंट पढ़ा ऊपर, मैं चेक करवा लूँगी जी. कोड इनवैलिड शो होना तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसा तो होना नहीं चाहिए. लेट मी चेक इट. हाँ जी, ऑप्शन डी आंसर में आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है. यू कैन यूज 542, यू कैन यूज 542, ठीक है. Y542 आप यूज कर सकते हैं टू गेट द डिस्काउंट. हाँ जी, आइए आंसर देख लेते हैं. बिल्कुल करेक्ट आंसर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. बहुत ज़रूरी है ये, इनके ऊपर रिपीट हो के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे इस पेपर में, तो जो है हमें इनकी तैयारी जो है उसी तरीके से रखनी है. मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में, इन्होंने इंग्लिश की फर्स्ट ऑफिशियल डिक्शनरी लिखी है.
आप में से अगर किसी को अभी तक इस बात का नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, मैं आपको बता दूं, विलियम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द पर्सन हु हैज कंपाइल्ड, हु हैज रिटन द फर्स्ट ऑफिशियल इंग्लिश डिक्शनरी, एंड 1765 में उसको उन्होंने पब्लिश किया था. उसके बाद उन्होंने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ पोएट्स थे उनसे पहले के, प्रिसीडिंग एज के, उन्होंने उनकी लाइफ के ऊपर बुक्स लिखी थी. और शेक्सपियर के ऊपर भी उन्होंने ऑब्वियसली लिखा, शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर भी उन्होंने लिखा. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. एज द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि इससे पहले जितने भी क्रिटिक्स थे, राइटर्स थे, वो एक राइटर के राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करते थे, उसके ऊपर अपना क्रिटिसिज्म देते थे. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने लिटरेरी वर्क्स को उठाकर उन वर्क्स के फॉर्म, कंटेंट, स्टाइल के ऊपर जो है अपना क्रिटिसिज्म दिया था. इसलिए जो है इनको फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी माना जाता है. इन्होंने अपना ये फेमस प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी. वो सारी बातें हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं. तो ये क्वेश्चन देखो मैंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे डाला है. पर्पस मेरा इस क्वेश्चन को डालने का ये था कि हम लोग जो है एक ही क्वेश्चन के थ्रू कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लें. तो सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी और ट्रेजिडी के जॉनर्स को मिक्स करना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ भी यूनिलैटरल नहीं चलती. जब हमारी लाइफ सिर्फ कॉमेडी, सिर्फ ट्रेजेडी, सिर्फ रोमांस की तरह हम नहीं देख सकते, ठीक है, कि कभी हमारी लाइफ में सैडनेस है, कभी हैप्पीनेस है, लाइफ में भी इन चीज़ों का जो है एक मिक्सिंग रहता है. तो शेक्सपियर अगर इन जॉनरास को मिक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, क्यों इतना क्लियर डिस्टिंक्शन क्यों होना चाहिए? तो उनका यही रीज़न था, दैट लाइफ इज एन इंटरमिंगलिंग ऑफ द गुड एंड द ईविल, द जॉयस एंड द सोरोफुल, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ टीयर्स एंड स्माइल्स. तो जॉनरास की मिक्सिंग भी जो है यहां पे गलत नहीं है. इसलिए वो कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर वाज बीइंग ट्रू टू नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज बीइंग ट्रू टू नेचर. ये कोट आप याद रख लो प्लीज, क्योंकि ये आपके पेपर में डायरेक्टली कोट की तरह आ सकता है, आपके पेपर में एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है इस कोट से कि किस क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा था दैट ही वाज ट्रू टू नेचर. तो आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ठीक है जी, आई बात समझ में सबको? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो. उसके बाद उन्होंने एरिस्टोटल के आइडिया ऑफ यूनिटीज के ऊपर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि एरिस्टोटल के हिसाब से जो थ्री यूनिटीज हैं उसमें से विलियम शेक्सपियर ना तो यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं और ना ही प्लेस को, लेकिन एक्शन को करते हैं और उसको बखूबी करते हैं. ये सारा किसने बोला था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. ठीक है, तो क्वेश्चन ये एक से आपके अनेक क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है इनका विलियम शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है और अक्सर इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसलिए आपने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके बारे में याद रखनी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले शेक्सपियर के वर्क्स को उठा के उनको प्रैक्टिकली एनालाइज किया था. प्रैक्टिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है? किसी वर्क को उसकी फॉर्म पे एनालाइज करना, उसके स्ट्रक्चर पे एनालाइज करना, ठीक है, उसकी लैंग्वेज पे एनालाइज करना. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब किसी वर्क को उसके फॉर्म, उसकी स्ट्रक्चर, उसके लैंग्वेज, डिक्शन, मोटिव्स के ऊपर एनालाइज करना. इसके फादर थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. तो ये आपने जो है याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं आज का. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following plays is not included in Tales from Shakespeare? ये जो वर्क है Tales from Shakespeare, इसमें कौन सा वर्क इंक्लूडेड नहीं है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने. ऑप्शन ए टाइटस एंड्रोनिकस, ऑप्शन बी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑप्शन सी पेरिक्लिस, या ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट. बताइए. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर फेमस वर्क रिटन बाय द लैम सिबलिंग्स, मैरी लैम एंड चार्ल्स लैम, और उसमें उन्होंने जो है कुछ वर्क्स को लिया है, उनमें से इनमें से कौन सा वर्क है जो कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में नहीं है? आंसर्स आने शुरू हो गए हैं. और टाइटस एंड्रोनिकस, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, पेरिक्लिस और रोमियो एंड जूलियट. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक कोई एक आंसर आना लगता है, बैक टू बैक लोग वही आंसर देने लग जाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुझे क्यों लगता है कि एक ऊपर कोई टॉप पे आंसर देता है, बाकी सब घूम फिर के उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं उस पे आ जाते हैं?
ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इंडिविजुअली भी अपने आंसर्स देने चाहिए प्लीज, ठीक है? इंडिविजुअल आंसर्स देना भी बहुत जरूरी होता है. सबका आंसर पेरिक्लिस है, सबका आंसर पेरिक्लिस है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विलियम शेक्सपियर का जो, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना आज के क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे सिलेबस को भी ना वे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, कल की क्लास में भी यही करेंगे, कल की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करके पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे. देखो, जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो था, पब्लिश इन द ईयर 1623 बाय जॉन हेमिंगिस एंड हेनरी कॉन्डल, उसके अंदर ये प्ले पेरिक्लिस नहीं था, ठीक है? उसमें टोटल 36 प्लेस थे. विलियम शेक्सपियर के हमारे पास एग्जिस्टिंग 37 प्लेस है, यानी एक प्ले ओमिटेड था. वो ओमिटेड प्ले जो थे है वो ये था, ठीक है? पेरिक्लिस, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड. ये एक याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं. पहला क्वेश्चन तो निकल सकता है विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो किस ईयर में पब्लिश हुआ था, 1623. सेकंड निकल सकता है विलियम शेक्सपियर के टोटल कितने एग्जिस्टिंग प्लेस हैं, 37. विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस पब्लिश हुए थे, 36. जो एक प्ले पब्लिश नहीं हुआ था ओमिटेड, वो कौन सा था, पेरिक्लिस, ठीक है? और इनको पब्लिश करवाने वाले कौन थे, किंग्स मैन या लॉर्ड चेंबरलेन्स मैन के ही दो एक्टर्स, हेनरी कॉन्डल. इनका नाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, हेनरी कॉन्डल एंड जॉन हेमिंगिस. जॉन हेमिंगिस या हेमिंग्स, कुछ भी कर लीजिए, दोनों ही स्पेलिंग्स ऑल्टरनेटिवली हमारे पास आती हैं. तो एक तो आपने ये याद रखना है, ये इन इन इस इतने से पोर्शन से आपके तीन चार अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तीन चार अलग अलग क्वेश्चंस इसी पोर्शन से बनते हैं. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ स्क्रीन से, ठीक है? ध्यान रखना है आपने. अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर था टाइटस एंड्रोनिकस. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इंक्लूडेड है, पेरिक्लिस इंक्लूडेड है, रोमियो एंड जूलियट इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है, टाइटस एंड्रोनिकस. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, ये जो लैम्ब सिबलिंग्स हैं मैरी और चार्ल्स, इन्होंने कोई भी रोमन प्ले या हिस्ट्री प्ले इस कलेक्शन में इंक्लूड नहीं किया है. मैं तभी हंस रही थी, मैंने कहा यार एक आंसर, एक बंदे ने आंसर देना शुरू किया और सबने बैक टू बैक वो आंसर देने लग गए सब लोग, क्यों किया है सबने ऐसा, ठीक है? तो मैं वही देख रही थी कि किसी ने भी कोशिश नहीं की क्या राइट आंसर देने की. यहाँ पे कोई है जिसने दिया था टाइटस एंड्रोनिकस तो बताइए जरा, कोई था तो मुझे बताइए. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है 1807 में पब्लिश हुई थी बाय द लैम्ब सिबलिंग्स चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब. दोनों भाई बहनों ने मिलकर कोशिश की थी कि विलियम शेक्सपियर के जो सबसे फेमस प्लेज हैं उनको छोटे बच्चों के लिए जो है अडेप्ट किया जाए. कोशिश ये थी कि जितनी भी शेक्सपियर की, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में भी ये बात बहुत बता रखा है कि अब हंस रहे हैं सब, अब सब लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गलती पे हंस रहे हैं. इसका मतलब चोरी तो की थी आप लोगों ने, कॉपी पेस्ट तो किया था, तभी हंसी आ रही है सबको. जो गलती करते हैं ना उसी को हंसी आती है, तो इसीलिए मुझे अब विश्वास हो गया आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, आपने सोच के आंसर नहीं किया उसको. चलिए, एनीवे 1807 में ये वर्क पब्लिश हुआ था. चार्ल्स और मैरी लैम ने कोशिश की थी कि छोटे बच्चों के लिए शेक्सपियर की ये ग्रेट स्टोरीज अडेप्ट की जाएं. अब मैंने आपको बिगनिंग में क्लास में कहा था, देखिए शेक्सपियर मास्टर इनोवेटर थे, मास्टर इमिटेटर थे, लेकिन जो चीज़ उनकी कमाल की थी, खुद की कमाल की थी, पहली वो तो थी उनके कैरेक्टर्स, दूसरा उनके डायलॉग्स, ठीक है? जो जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए. तो मैरी और चार्ल्स चाहते थे कि बच्चों तक विलियम शेक्सपियर की ग्रेट स्टोरीज, ग्रेट प्लेस पहुंचे, पर उनकी लैंग्वेज भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो उन्होंने इस तरीके से इसका अडेप्टेशन किया था कि लैंग्वेज को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और जितना मैक्सिमम हो सके विलियम शेक्सपियर की ओरिजिनल लैंग्वेज इंटैक्ट रहे, पर फिर भी उसको इन अ वे सिंप्लीफाई करके ही उसकी अडेप्टेशन की थी. और ये 1807 में पब्लिश था. इसमें उन्होंने, मैरी लैम ने, ये भी आप लर्न कर लो, ठीक है? ये लर्न करने वाला देखो है सारा. मैरी ने इस प्ले के कॉमेडीज उठाई थी, मैरी ने शेक्सपियर की कॉमेडीज उठाई थी, चार्ल्स ने शेक्सपियर की ट्रेजिडीज उठाई थी, ठीक है? मैरी लैम ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को इंटरप्रेट किया था और चार्ल्स लैम ने शेक्सपियर की कॉमेडीज को इंटरप्रेट किया था,
सॉरी मैरी लैम ने कॉमेडीज को, चार्ल्स लैम ने ट्रेजेडीज को. इन्होंने ओमिट क्या किया था? हिस्टोरिकल प्लेज एंड रोमन प्लेज. हिस्टोरिकल प्लेज एंड रोमन प्लेज, और अगर किसी भी प्ले में किसी तरीके का वल्गर अडल्ट कंटेंट है, किसी भी प्ले में किसी तरीके का ब्लडशेड है या टू मच ऑफ वायलेंस है, किसी तरीके की लैंग्वेज है जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको भी उन्होंने ओमिट किया था, उन सीन्स को उन्होंने डिलीट किया था. उसके अलावा उन्होंने सीरियस प्लेस लाइक द हिस्ट्री प्लेस एंड द रोमन प्लेस, उनको ओमिट किया था. तो अगर आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन याद रहती तो आप उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर सकते थे, बिकॉज टाइटस एंड्रोनिकस इज अ रोमन प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, है ना. तो आप उसको वो कर सकते थे, लेकिन अफसोस आप लोगों ने चूज़ किया कॉपी पेस्ट करना और हो गया सबका गलत, है ना. लेकिन मैं हमेशा, मैं क्लास की बिगनिंग से एक बात बोलती रही हूँ, उस वक्त तो क्लास में इतने लोग नहीं थे, आज बहुत लोग क्लास में जुड़े हैं साथ में. हमेशा कहती हूँ गलती यहाँ मेरे सामने कर दो, पेपर में मत करना. मेरे सामने जो गलती करनी है कर दो, सब गलतियाँ माफ़ है आपकी, पेपर में ये गलतियाँ मत करना, ठीक है. ये स्पेस है जहाँ पे हम गलती करेंगे, सीखेंगे, फिर से गलती करेंगे, फिर से सीखेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये चलता रहे. लेकिन ये काम 100 बार कर लो, लेकिन जब पेपर में जाओ ना तब तक इतने पक्के होके जाना कि सिलेक्शन लेके आना वहाँ से फिर, ठीक है ना. ये प्रॉमिस करना है आप सबने मुझसे, ठीक है. चलो ये भी याद रखने वाला बात है, इन्होंने इस कलेक्शन का प्रीफेस टुगेदर लिखा था, ठीक है. प्रीफेस टुगेदर लिखा था, इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी में, तो इसके ऊपर जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपने याद रखनी है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे प्लेस के लिए. द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये किसकी लाइन्स हैं? विलियम शेक्सपियर के प्ले से उठाई हुई कोटेशन है ये. इसके ऊपर क्वेश्चन है द ल्यूनेटिक. द ल्यूनेटिक यानी अ मैड पर्सन, अ मैड मैन. द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, कि इनका दिमाग नहीं चलता ज़्यादा, इमेजिनेटिव थोड़े कम होते हैं. पोएट्स, लवर्स और ल्यूनेटिक्स, ये किसकी लाइन है? ड्यूक और सीनो, रोमियो, जैकवा द मेलैंकोलिक कैरेक्टर या थीसियस, बताइए. मैम इज देयर एनी प्रैक्टिस दैट ऑफ, सॉरी मैंने कमेंट्स मिस कर दिए कुछ, बिकॉज बैक टू बैक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. हाँ जी बताइए. हाँ जी, यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स, मल्टीपल आंसर्स. अब शुगर एटलीस्ट अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अब सबके सेम नहीं आ रहे. पहले मुझे टेंशन थी सबका सेम आंसर है, सबका गलत है, अब कम से कम आंसर्स तो अलग अलग आ रहे हैं. हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं रोमियो, कुछ लोग कह रहे हैं जैकुआ, कुछ कह रहे हैं एक का आंसर दिख रहा है मेरे को ड्यूक और सीनो. हाँ जी ठीक है, थीसियस कुछ लोगों का है, ऑप्शन डी थीसियस विद अ रोज. हाँ जी ठीक है, मल्टीपल आंसर्स, आई एम गेटिंग मल्टीपल, वेरी एक्साइटिंग. ये देख के मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि एटलीस्ट रॉन्ग होगा, ये एक्साइटमेंट बनी रहती है, इससे गेम का एलिमेंट बना रहता है कि पता नहीं किसका सही है. केबीसी चल रहा है हमारा, कौन बनेगा करोड़पति, ऑप्शन ए बी सी डी, मल्टीपल आंसर्स. जी करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थीसियस. आई थिंक अगर सौ लोगों ने आंसर किया है ना, उसमें से सिर्फ 2 लोगों का आंसर थीसियस था. Theseus is the correct answer. Play है A Midsummer Night's Dream, a romantic comedy by William Shakespeare. उनके Act 5 Scene 1 से निकली हुई ये लाइन है. Okay? Option D was the right answer. Theseus. Theseus कौन थे? ये वो जो foil story है A Midsummer Night's Dream की, play के beginning में Theseus और Hippolyta की मैरिज सेलिब्रेशंस दिखाई हैं, मैरिज प्रेपरेशंस दिखाई हैं, और स्टोरी फिर उसके बाद अंदर से शुरू होती है. फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो इस प्ले के अंदर जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं सबके नाम, क्योंकि मैं बार बार एम्फसिस देती रहती हूँ इस बात पे कि इस प्ले से फीमेल कैरेक्टर्स या कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी कॉमेडी प्ले के फीमेल कैरेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं. आपको मैंने क्लास में प्रैक्टिस कर करके इतना दिखाया है कि देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक फीमेल कैरेक्टर पर पूछा है. उसके बावजूद भी अगर आपने लर्न नहीं किया फिर वो मेरी गलती नहीं है. मैंने अपनी तरफ से हर क्लास में ये बात रीआइटरेट करके आपको बता रखी है. उसके बाद भी गलती करेंगे फिर गलती है, फिर वो गलत हो जाएगा. हाँ
फटाफट से मुझे बता दो, रिवीजन भी चल रही है साथ साथ, पेपर की तैयारी हो रही है अभी। हेलेना हर्मिया, ठीक है, दो तो आ गई, हेलेना हर्मिया, और बताइए, ठीक है, हेलेना हर्मिया, ये दो तो हो गई, और भी दो हैं इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स। रोजेलिन नहीं है इसमें, टाइटे, वेरी गुड, टाइटेनिया हिपोलिटा, वेरी नाइस, टाइटेनिया, ठीक है, एंड हिपोलिटा, बिल्कुल ठीक। इस प्ले का जो हमारा फेरी कैरेक्टर है उसका नाम बताओ, इस प्ले के फेरी कैरेक्टर का नाम फटाफट से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, इस प्ले के फेरी कैरेक्टर का नाम बता दो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो फेरी कैरेक्टर्स पे या फूल कैरेक्टर्स पे आते हैं, डिमिट्रिस नहीं है, फेरी कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक, टाइटेनिया हर्मिया हिपोलिटा हेलेना, ठीक है, हेलेना और हर्मिया, हर्मिया प्यार करती है लाइसेंडर से और हेलेना उसकी बेस्ट फ्रेंड है, हेलेना प्यार करती है डिमिट्रियस से, डिमिट्रियस प्यार करता है हर्मिया से, हिपोलिटा जो है थीसियस की टू बी वाइफ है, टाइटेनिया जो है जो फेरी क्वीन है, ठीक है, वेरी गुड, पक, पक इज द नेम ऑफ द फेरी फिगर इन द प्ले, और पक किस कैरेक्टर के हेड को डोंकी हेड बना देता है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का, यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पक किस कैरेक्टर के हेड को डोंकी हेड बना देता है, फटाफट से बता दो कॉमेंट सेक्शन में। निक बॉटम, वेरी गुड, निक बॉटम इज द करेक्ट आंसर, निक बॉटम, ऐसे ही करते रहो ना यार, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, करेक्ट आंसर देते रहो, क्या टेंशन है, ऐसे ही पेपर, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं, इतनी तैयारी करके रखो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं फिर तो पक्का क्वालिफाई करोगे, आप अभी भी आम जनता से ऊपर ही चल रहे हो, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना, अभी भी आम जनता से ऊपर चल रही है आपकी प्रिपरेशन, स्ट्रेस मत लो आप लोग। हाँ जी, ये देख लो एक बार, ये पूरा कोट मैंने यहाँ डाला है बिकॉज आपको पता है जैसे कि कोटेशन से तो क्वेश्चन आते हैं, और एक बार कोटेशन एक बार ये हम देख लेते हैं, लवर्स एंड मैडमैन हैव सच सीडिंग ब्रेन्स, सच शेपिंग फैंटसीज दैट एप्रीहेंड मोर देन कूल रीजन एवर कॉम्प्रीहेंड्स। वो कह रहे हैं जो लोग प्यार में होते हैं और जो पागल होते हैं ना वो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है ये, एक बार ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, वो कह रहे हैं जो प्यार में होते हैं और जो पागल होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, लॉजिक रीजनिंग कहीं हवा में उड़ जाती है उनके सामने से, ठीक है, और वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ठीक है, दे शेप फैंटसीज इन देयर हेड्स, उनके दिमाग में ख्याली पुलाव बनते रहते हैं और लॉजिक और रीजन से तो ये बहुत ही दूर चले जाते हैं। द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ठीक है, जो पागल है, जो प्यार में है और जो पोएट है, इन सबके पास इमेजिनेशन की कमी होती है, ठीक है, दिमाग नहीं यूज कर पाते ज्यादा। वन सीज मोर डेविल्स देन वास्ट हेल कैन होल्ड, अगर एक इंसान पागल है तो उसको लगेगा उसके सामने राक्षस ही राक्षस खड़े हैं, जबकि वो होते नहीं है क्योंकि वो इंसान डिल्यूजनल होता है, दैट इज द मैड मैन, ठीक है, वो सबकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, गौर फरमाइए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको बता रही हूं। हाँ जी, नो स्ट्रेस बिकॉज ऐश्वर्या, हाँ नो स्ट्रेस बिकॉज ऐश्वर्या मैम इज हियर, दैट इज द मैड मैन। द लवर ऑल एज फ्रेंटिक सीज हेलेंस ब्यूटी इन अ ब्राउ ऑफ इजिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। वो कह रहे हैं जो इंसान प्यार में होते हैं ना उसको अपनी लवर की शक्ल में जो है, ठीक है, उसको अपनी लवर की शक्ल हेलेन की ब्यूटी जैसी लगती है और उसको इजिप्ट की ब्राओ में हेलेन की शक्ल दिख रही होती है, मतलब वो इंसान जो है बेसिकली ब्यूटी और लव से ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको हर चीज फिर ब्यूटीफुल दिखने लगती है, ठीक है। द पोएट्स, सॉरी, हाँ जी, द पोएट्स आए, The poet's eye in fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, कि एक जो poet है उसकी आंखें जो है, ठीक है, गोल 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 घूमती रहती हैं, कि poet जो है अपना raw material कहाँ से लेता है, observant होता है वो, अपना raw material यहाँ वहाँ से उठाता है और उसके बाद वो जो है heaven से earth, earth पे heaven देखता रहता है, क्योंकि poets जो है वो बैठ के spiritual poetry लिखते हैं ना, वो बैठे earth पे बैठे बैठे वो spirituality की बात कर रहे हैं, soul की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं,
तो वो कहते हैं कि पोएट्स भी कमाल होते हैं, अर्थ पे बैठे हेवन पे पहुंच जाते हैं, हेवन में बैठे अर्थ पे पहुंच जाते हैं. एंड एज इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स अननोन द पोएट्स पेन टर्न्स देम टू शेप्स. और जो चीज़ें तो इंसानों को पता भी नहीं होती एग्जिस्ट करती हैं, पोएट के पेन से वो चीज़ें भी पैदा हो जाती हैं. And gives to airy nothing a local habitation and a name. और जो चीज़ कभी exist भी नहीं करती, ये लोग तो उन सड़कों गलियों के नाम भी लिख देते हैं. ये तो अपने पेन से पूरी पूरी नई कंट्री भी बना सकते हैं, एक पूरा पूरा नया बंदा भी बना सकते हैं, इंसान भी बना सकते हैं. तो इस तरीके से जो है इन्होंने बात की है अबाउट ल्यूनेटिक्स लवर्स एंड पोएट्स. बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो. उसका रीज़न ये है कि इस पूरे में से क्वेश्चन किसी भी लाइन में से आ सकता है, ठीक है. इस पूरे में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने जो है इस पर गौर फरमा के रखना है, ठीक है. एक्ट 5 सीन 1 थीसियस फ्रॉम अ मिडसमर नाइट स्ट्रीम. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ किड ऑफ विलियम एंड एन शेक्सपियर. तो ये तो आपको बताया, ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर भरमार में क्वेश्चंस आते हैं ऑन हिज बायोग्राफिकल डिटेल्स, और हमने पढ़ा ये सारा मेरी क्लासेस में, चाहे मेरी यूट्यूब क्लास है चाहे मेरी पेड क्लासेस हैं, है ना. हमने उन सब में डिटेल में विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफिकल डिटेल्स को पढ़ा है. तो मुझे बता दो, इन तीनों बच्चों में से शेक्सपियर के बच्चे का नाम क्या नहीं था? जूडिथ, जॉन, सुजैना या हैमनेट? सो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. ऑप्शन बी जॉन, ऑप्शन 3. हाँ जी, ऑप्शन बी जॉन. सब कॉन्फिडेंट है ऑप्शन बी पे? अच्छा ये मैं, अच्छा नहीं, एक आंसर ममता का आंसर ऑप्शन ए आया है, बाकी सबका बी आ रहा है मेजॉरिटी. मैं ना जब यूजीसी नेट वाली पेज पे क्लास लेती हूँ, उसमें मेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर सबका आंसर ठीक होगा तो मैं 5 स्टार देती हूँ. फिर सबका आंसर ठीक हुआ तो 5 स्टार मिलेगा. तो अगर ये अभी सबका आंसर ठीक निकल गया ना, तो 99% लोग बी कर रहे हैं. सबका आंसर ठीक हुआ तो 5 स्टार दूंगी. हमारा यूजीसी नेट का भी पेज है, हमारा ना यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पेज है एक, अगर आप में से किसी को पता नहीं है. वहाँ मैं यूजीसी नेट ओरिएंटेड पढ़ाई करा रही हूँ. अभी जो हमारा अगस्त का अटेम्प्ट होना है ना, मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करा रही हूँ. और अगस्त से हम लोग जो है अपना यूजीसी का बैच लॉन्च करेंगे, जो दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए ओरिएंटेड होगा. आप में से कोई अगर यूजीसी में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर उस पेज पर सब्सक्राइब करो. मैं वहाँ रोज 3 से 4 पढ़ाती हूँ. 3 PM जो है मैं रोज़ यूजीसी नेट पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना. और 4 बजे मैं रोज यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का पढ़ाती हूँ, ठीक है. 3 से 4, 4 से 5 बुकिंग कर लो मेरे साथ, ठीक है. चलो आज आप लोग 5 स्टार अटेन करोगे इस क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल, क्योंकि करेक्ट आंसर है बिल्कुल जॉन. जॉन इज द करेक्ट आंसर. ये इन तीनों का, ये तीनों में से ये एक सिबलिंग नहीं है. एन हैथवे और विलियम शेक्सपियर का बच्चा नहीं है जॉन, ये इनके बेटे का फ्रेंड था. जॉन इनके बेटे का फ्रेंड था. और जूडिथ और हैमनेट जो हैं, दोनों ये ट्विंस थे, ठीक है. एक बार फिर से देख लो, UGC नेट अडा 24/7, रोज 3 से 4 मैं नेट की क्लास लेती हूँ, 4 से 5 TGT PGT की क्लास लेती हूँ. तो आप में से जो भी नेट में इंटरेस्टेड है वो वहाँ आ सकता है. दूसरी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपनी क्लास का खाता खोला है आज का. आज का पहला आपने 5 स्टार ले लिया है. सबका आंसर ठीक है, ये सब हमने क्लास में कर रखा है. जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमने ये सारी चीज़ें क्लास में टॉपिक्स में कवर कर रखी हैं, ठीक है. तो जूडिथ और हैमनेट जो ट्विंस हैं, ये भी याद कर लो, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे के कौन से इनमें से, जो 2 4 बच्चों में से कौन से जो हैं ट्विंस हैं. तो आपने याद रखना है जूडिथ एंड हैमनेट, ठीक है जी. चलो ध्यान रखना है इस बात का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कोटेशन पढ़ लो, ये कोटेशन आइडेंटिफाई करनी है कौन से प्ले से है. एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज Are we to the gods? They kill us for their sport. Identify the play. Hanji. Parul, I enjoy teaching you. Thanks a lot. Thanks a lot. I have the best of the time teaching in this class. I swear. Aur main jhoot nahi bol rahi hu. I swear. I have the best of the time teaching in this class. Aapki class lene se pehle mujhe coffee peene ki bhi zarurat nahi padti. Because aise energy aa jati hai class mein. बताओ चलो. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है. किस प्ले से लिया गया है? ओके, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. ऑप्शन सी, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी है हैमलेट, ऑप्शन सी है किंग लियर. तो अब आंसर तो दो अलग अलग आ गए. अच्छा, जूलियस सीजर भी आ गया, तो फाइव स्टार तो नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन पे, ये तो गारंटीड है. ये स्टार नहीं है, ये है, ये स्टार का मतलब है, एक सिंगल स्टार का मतलब है. ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, समझ लो अभी से, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हम लोगों ने साथ में क्लासेस लेनी है. किसी के आगे स्टार लगाऊं मतलब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. पेपर में इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है, मतलब इसका जो पैटर्न है. मैं पेपर नहीं प्रिडिक्ट कर रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देखते हैं हम, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहाँ से पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑफ्टनली रिपीटेड एक कोट है ऑफ शेक्सपियर्स. हाँ जी, मल्टीपल आंसर्स आए हैं मैंने देखा है. ओथेलो आई थिंक किसी ने नहीं किया, ओथेलो को मैं हटा देती हूँ, एलिमिनेट कर दिया ओथेलो को. हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना. चलो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका. इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं इज किंग लियर, ठीक है. ऑप्शन सी किंग लियर वॉज करेक्ट. स्पीकर ऑफ द लाइन्स, अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, वो सेम कोट आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है स्पीकर कौन है उन लाइंस का. सो द स्पीकर ऑफ द, तो जिन जिन का किंग लियर ठीक था, कंग्रेचुलेशंस आप सबके लिए. किंग लियर इज द करेक्ट आंसर एंड अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर के ये स्पीकर हैं. एक्ट 4 सीन 1, मैंने जब अपनी पेड क्लास पढ़ाई है, जितने बच्चे मेरे पेड क्लास के हैं यहाँ बताओ, जब मैंने किंग लियर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उसमें कुछ कुछ सीन्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक मैंने आपको ये वाला सीन भी बोला था, द हीट सीन, बताया था या नहीं. जितने मेरे पेड बैच के बच्चे हैं यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बताओ कमेंट सेक्शन में. मैंने आपको जब कुछ प्लेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स बताए थे, उसमें किंग लियर में कहा था मैंने, उसमें दो तीन सीन इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक मैंने आपको हीट सीन भी बोला था, वो आप याद करो, है ना. ये भी बोला था उन इंपॉर्टेंट सीन्स के एक्ट और सीन लर्न कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं. अगर वो लोग आपका पेपर एक एक नॉच ऊपर लेके जाना चाहें, आपको एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा के देना चाहें, तो हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए. तो हमने अपनी तैयारी रखनी है, इन्होंने जैसा पेपर देना ये दें, ईजी दें, टफ दें, मीडियम दें, हम अपनी तैयारी परफेक्ट करके रखेंगे, ठीक है. तो एक्ट 4 सीन 1 का ये है, फेमस हीट सीन है. इसके अंदर अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर जब ऑलरेडी ब्लाइंड हो गया है, अर्ल ऑफ ग्लाउकेस्टर को ऑन द चार्जेस ऑफ फॉल्स ट्रीजन रीगन, ठीक है, द सेकेंड डॉटर ऑफ किंग लियर, रीगन और उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल ब्लाइंड कर देते हैं, उनकी आईज को प्लक आउट कर देते हैं. उसके बाद वो बेचारे डिस्पोंडेंट और डेस्टिट्यूट होकर जब बाहर घूम रहे हैं खुले मैदान में, हीट में, तब वो दुखी होकर ये वाला कोट बोलते हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लीजिए आप लोग आज, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी, फॉर आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमरी, हु इज द स्पीकर. इनमें से किसी एक क्रिटिक ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है आई लव द मैन एंड आई डू ऑनर हिज मेमरी, किसने कही है ये बात बताइए. बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट ग्रीन या टीएस एलियट. हाँ जी बताइए फटाफट से. थैंक यू सो मच प्रज्ञा, सो काइंड ऑफ यू. योर मैसेजेस रियली इंस्पायर मी अ लॉट एंड योर लव, इट इज माय फ्यूल, इट इज माय, यू नो, इट फ्यूल्स माय इंजन, इट कीप्स मी गोइंग. हाँ जी, सो वी स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स. ऑप्शन डी है टीएस एलियट, ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन. आई कैन सी मल्टीपल आंसर्स कमिंग. किसी ने सी नहीं बोला है, रॉबर्ट ग्रीन किसी ने नहीं बोला, तो रॉबर्ट ग्रीन मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है. लो भाई, इसको एलिमिनेट कर दिया. अब बताओ ए बी और डी में से बता दो मुझे, और अपने पेपर में भी एलिमिनेशन करते रहना. ये एक बात ध्यान रखनी आप सबने कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, या तो आपको उसका आंसर डायरेक्टली पता है तो सीधा आंसर कर देना. अगर आंसर डायरेक्टली नहीं पता और अभी एक दो तीन सेकंड लग रहे हैं, तो सबसे पहले जो आंसर आपको पता है हो ही नहीं सकता, उसको पहले हटा दो. क्यों? सीधी मैथ्स की बात है. अगर आपने उसको नहीं हटाया तो आपके पास करेक्ट आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है. अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया तो करेक्ट आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 33% हो जाती है. बढ़ गई ना प्रोबेबिलिटी, चांसेस बढ़ गए ना कि पेपर आप वो क्वेश्चन को तुक्का मार के भी सही कर दोगे. अब मान लो आपने एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, फिर आपकी आंसर तक, राइट आंसर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 50% बन जाती है. आप अपने चांसेस बढ़ा रहे हो एलिमिनेशन करके. सीधा मैथ से बता रही हूँ आपको यहाँ पे. मुझे वैसे मैथ नहीं आता है, पर जितना मुझे समझ आता है मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ. प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी,
ठीक है, करेक्ट आंसर है इसके बेन जॉनसन. बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर है इसका बेन जॉनसन. उनका ये फेमस क्रिटिकल वर्क है फ्रॉम टिम्बर और डिस्कवरीज. टिम्बर और डिस्कवरीज करके उनका ये क्रिटिकल वर्क है. उसमें जो है वो विलियम शेक्सपियर को लेके थोड़े से क्रिटिकल हैं, वो थोड़े से क्रिटिकल हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये मत सोचो कि मुझे शेक्सपियर से नफरत थी, मैं उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा. आई लव दैट मैन एंड आई ऑनर हिज लेगेसी, आई रिस्पेक्ट हिज लेगेसी. लेकिन शेक्सपियर में कुछ फॉल्ट्स भी हैं, कुछ फॉलीज भी हैं, हमें उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए, हमें उन पर भी फोकस रखना चाहिए, हमें उनकी अच्छी क्वालिटीज पे भी रखना चाहिए. ये दोनों बातें वो करते हैं. ठीक है, तो बेन जॉनसन जो है वो ये ऐसे कह रहे हैं उसको. ठीक है, तो जिस जिसका करेक्ट था, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. ओके, एनवीएस का किसी ने पूछा, एनवीएस का बैच भी देखिए जो है हमारा 12 जुलाई से शुरू हो चुका है. मैं रोज उसकी 1 PM क्लास ले रही हूँ. बैचेस के बारे में बता दूंगी अभी आपको, एक बार थोड़ा ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर बैचेस पे आएंगे. ठीक है, टिम्बर और डिस्कवरीज नाम का इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बेन जॉनसन के कौन से वर्क में, फेमस वर्क्स में जो है क्रिटिसिज्म है ऑफ विलियम शेक्सपियर. तो आपका आंसर आएगा टिम्बर और डिस्कवरीज, और इसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा है. आई थिंक हम या तो लास्ट में आ गए हैं या लास्ट ऑफ लास्ट में आ गए हैं. हाँ जी बताइए. द सब प्लॉट ऑफ अर्ल ऑफ ग्लौकेस्टर is sourced from, विलियम शेक्सपियर के सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो विलियम शेक्सपियर का प्ले जो है किंग लियर, ठीक है, किंग लियर जो प्ले है, ट्रेजेडी प्ले, उसमें एक सबप्लॉट है ऑफ अर्ल ऑफ ग्लौकेस्टर एंड हिज टू सन्स, एडगर एंड एडमंड. एडगर एंड एडमंड, ठीक है जी. तो ये उसका सोर्स कहाँ से लिया है, सोर्सेज पे क्वेश्चंस आते हैं. पहले भी UPPGT में सोर्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं. मैंने अपनी YouTube क्लास में और अपनी पेड क्लास में बता रखा है सारा, आपको नोट्स दे रखे हैं. पेड क्लास में तो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया, उसमें सारे सोर्सेज हैं, सारे प्लेस के, शेक्सपियर के, आपने उनको गो थ्रू करना है. ठीक है, अब बताओ कहाँ से लिया गया है ये सब प्लॉट ऑफ अर्ल ऑफ ग्लौकेस्टर फॉर किंग लियर, द जियो ऑफ माल्टा, आर्काडिया, एपिथैलेमियन या फिर प्लूटार्क्स लाइफ. सो वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन सी, सारे आंसर्स आ रहे हैं. अब मेरा एंटरटेनमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है जब सब लोग मल्टीपल आंसर्स दे रहे होते हैं और मुझे आई नो द करेक्ट आंसर और मैं देख रही हूँ कि अच्छा किसका सही जा रहा है, किसका गलत जा रहा है. हाँ जी बताइए, ए बी सी डी, मल्टीपल आंसर्स वी आर गेटिंग, मल्टीपल आंसर्स. हाँ ठीक है, पेड बैच का प्रोसेस मैं अभी बता देती हूँ जी. थोड़ा मैंने आपका डाउट नोट कर लिया है, मैं देख रही हूँ बहुत लोगों के बैच रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं. एक बार थोड़ा जितने हम देखो 350 लोग क्लास में लाइव है इस वक्त, 350 लोग, बहुत अच्छा ना, पहली बार आई थिंक इतना लाइव नंबर गया है हमारा. और एक बार सब पढ़ाई करते हैं फिर हम बैच पे आते हैं. ठीक है, हाँ जी, करेक्ट आंसर है इसका आर्काडिया, आर्काडिया बाय सर फिलिप सिडनी. ठीक है, सर फिलिप सिडनी कौन है, सर फिलिप सिडनी भी एक एलिजाबेथन पोएट हैं, एलिजाबेथन सोनेटियर हैं. तो उनके वर्क, उनके पेस्टोरल वर्क आर्काडिया से ये अर्ल ऑफ ग्लौकेस्टर का सबप्लॉट लिया हुआ है. ज्यू ऑफ माल्टा से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है, ज्यू ऑफ माल्टा से द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है, एपिथैलेमियन से कोई सोर्स नहीं है, प्लूटार्क्स की लाइफ से रोमन एंड ग्रीक प्लेज हैं. ठीक है, रोमन एंड ग्रीक प्लेज हैं. ग्रीक प्ले में तो सिर्फ आपका ट्रॉयलस क्रेसिडा हो गया, रोमन प्लेज में से टाइटस एंड्रोनिकस, कोरियोलिनस, एंथनी एंड क्लियोपैट्रा, ये सारे जो प्लेज हैं, टिमोन ऑफ एथेंस, ये सारे के सारे जो प्लेज ये प्लूटार्क की लाइफ से लिए हुए हैं. ठीक है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ए इन ऑप्शन से अलग अलग क्वेश्चंस भी तो बन रहे हैं आपके कि जियो ऑफ माल्टा कहाँ से है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स क्या है, जियो ऑफ माल्टा, अर्ल ऑफ ग्लौकेस्टर सबप्लॉट का सोर्स कहाँ से है, आर्काडिया, रोमन और ग्रीक प्लेज का सोर्स कहाँ से है, प्लूटार्क. आई थिंक ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है प्लूटार्क की लाइव से रोमन प्लेज उठाए हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर PGT इंग्लिश का क्वेश्चन है UP का. ठीक है, और एपिथैलेमियन से कोई सोर्स नहीं है, एपिथैलेमियन से कुछ भी नहीं है. ठीक है, गॉट इट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहते हो तो, लर्न हो जाएगा आपको इसी बहाने. ठीक है, चलो
I think this is the last question of the day. Let's have a look at it. Who is the messenger of Juno in the play The Tempest? The Tempest play में अभी अभी मैंने इसकी summary कराई है. The Tempest play की summary तो अभी अभी कराई है YouTube पे, 3-4 दिन पहले ही finish की है हमने. उसमें मैंने बताया था कि किसी एक scene में Juno, who is the wife of King Jupiter, planet Jupiter, King Jupiter, उनकी wife है Juno, वो आती हैं Earth पे. तो उनका messenger कौन है इस play में? Iris, Ceres, Ariel या Caliban? बता दीजिए. Iris, Ceres, Ariel या Caliban? हाँ जी, डिस्काउंट आप ये करो ना, Y542 मेरी क्लास का, ये इससे आप सारे कोर्सेज का डिस्काउंट ले सकते हो, इससे सारे कोर्स का डिस्काउंट ले सकते हो. आंसर्स आने लग गए हैं. ए बी सी भी आ गया, ए बी सी, तो डी एलिमिनेट कर देती हूँ. चलो डी तो मतलब नहीं है ना आंसर, ए बी सी कर रहे हैं सब लोग. लो डी को एलिमिनेट कर दिया. मेरा कोड याद रखो यार, Y542 डिस्काउंट के लिए, ठीक है ना. और कोई भी एग्जाम, कोई भी है, आप उस सब एग्जाम, सब कोर्सेज का आप जो 77-78% डिस्काउंट है, आप इस कोड से ले पाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है. मल्टीपल आंसर्स वी आर गेटिंग. आयरिस, सीरियस, एरियल. आयरिस, सीरियस, एरियल. हाँ जी, हाँ बिल्कुल रश्मि, Y542 बिल्कुल ठीक कहा. Yes, option A, option B, option C, multiple answers we are getting. And the correct answer of this question is option A, Iris. The correct answer is option A, Iris. Just ka correct hai, congratulations. Juno, kaun thi? Juno is the wife of Jupiter. Aur is play mein, jab act 4 scene 1 mein, jab Ferdinand aur Miranda ki engagement hoti hai, जब ड्यूक प्रोस्पेरो उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और दोनों की इंगेजमेंट होती है, तो ये आती हैं ऊपर से, आसमान से उतर के. इनकी मैसेंजर है आयरिस, वो सीरिस को बोलती हैं, ठीक है. इट शी टेल्स सीरिस ऑन बिहाफ ऑफ जूनो टू लीव द फील्ड्स एंड माउंटेन्स एंड रिवर बैंक्स एंड जॉय द सेलिब्रेशंस ऑफ द टू लवर्स. तो जूनो और तो आयरिस तो ब्लेसिंग देने आए हैं वहाँ पे. आयरिस फिर जूनो के बिहाफ पे सीरिस के पास जाती है कि तुम भी इन न्यूली बेट्रोटेड, न्यूली एंगेज लवर्स को अपनी ब्लेसिंग देने आओ, ठीक है. ये हमारे समरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, कोई भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, कोई भी नॉन ह्यूमन एंटिटी है शेक्सपियर के प्लेस में, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. कोई भी फीमेल कैरेक्टर है, क्वेश्चन आएगा. फूल कैरेक्टर है, क्वेश्चन आएगा. ये आप मुझसे लिखवा के रख लो, और आपके पेपर में नहीं आया वो उस दिन हम बात करेंगे, क्योंकि वो दिन आएगा ही नहीं. पेपर में आएगा आप देख लेना, लिखवा के रख लो मुझसे. सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स, नॉन ह्यूमन एंटिटीज, फीमेल कैरेक्टर्स, फूल कैरेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नहीं किया तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको सीधा बता रही हूँ, सीधा सीधा बता रही हूँ. हाँ जी, तो देखिए इसके साथ जो है हमारी क्लास होती है खत्म, ठीक है. वैसे अभी मैंने आपके साथ एक छोटी सी और क्लास भी लेनी है. मेरी क्लास आपके साथ अभी और भी है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेरी डिवाइसेस कैटाफोरा एनाफोरा. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है उसमें, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के डाउट्स मैं अभी कमेंट सेक्शन में देख रही थी. मुझे तो लगा अभी तक सबको हमारे बैचेस के बारे में पता होगा, पर अभी तक इतने लोगों को बैचेस के बारे में नहीं पता है. तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी और एनवीएस का बैच हमने अभी 12 जुलाई से ही लॉन्च किया है, ट्यूजडे से शुरू हुआ है. पर आप टेंशन मत लो, इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि हमारे पास उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस है और आपको पीडीएफ मिल रहा है उसका, तो स्ट्रेस की बात नहीं है, ठीक है. हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच और हमारा एनवीएस का टीजीटी पीजीटी का बैच लाइव हो चुका है, पर अभी देरी नहीं आई है. वैसे भी देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको मिलेंगे हमारे पीडीएफ्स. और सिर्फ इंग्लिश ही क्यों, अगर आप किसी को जानते हैं, हमने रिसेंटली अपने मैथ्स के बैचेस भी लॉन्च किए हैं, हमने होम साइंस लॉन्च किया है, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, हिंदी, एसएसटी, कोई सब्जेक्ट तो छोड़ा नहीं है हमने आपके लिए. आपने जो सब्जेक्ट की डिमांड की वो सारे सब्जेक्ट के एजुकेटर्स आपको लाके दिए. करना आपने सिर्फ इतना है कि एनरोल करना है, और अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा
पेपर में अटेम्प्ट देना है तो महापैक ले लो, क्योंकि ये मेरा डिस्काउंट कूपन जब यूज़ करोगे उसके बाद ये वाले जो कोर्सेज हैं ये आपको पढ़ेंगे 2300 रुपये के, वो आपको पढ़ेंगे 3300 के। तो मतलब सिर्फ 1000 रुपये ज़्यादा देकर आप जो है उसमें फ्री टेस्ट सीरीज और ये सब भी ले सकते हो, है ना। मैं अभी अगली क्लास में बताती हूँ, बस ज्वाइन करो मेरे साथ कैटाफोरा एनाफोरा वाली क्लास में, वहाँ बताती हूँ। बस ये याद रख लेना कि देरी हुई नहीं अभी, आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हैं NBS के पेपर में बैठने के लिए या UPTGT PGT का बैच ज्वाइन करने के लिए, आपको बता दूँ एक ही बैच था, इतना ओवर एडमिशन हुआ उसमें कि हमें उसका सेकेंड वॉल्यूम सेकंड बैच भी लॉन्च करना पड़ा। तो अब सेकंड से थर्ड ना करना पड़े, प्लीज फटाफट से सब लोग सेकंड में ज्वाइन कर लो। कोड है मेरा Y542, इसको यूज करके आप जो है 78% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। वैसे तो ये कोर्स हमारा 10,000 का है, पर डिस्काउंट कूपन लगने के बाद ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपये का पड़ेगा। तो बिना और टाइम वेस्ट किए आप फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल करें, और कोई डाउट है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में नीचे डाल दें, मैं आपके डाउट को आंसर कर दूंगी, ठीक है जी। चलो, रोज मेरी क्लास YouTube पे होती है 4 बजे, टीचर्स पेज ऑफ अड्डा 24/7 पे रोज मैं आपको मिलती हूँ यहीं पे शाम 4 बजे, ठीक है। तो कल फिर से मेरे साथ यहीं पे जुड़ना, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फॉर द UPTGT PGT NBS TGT PGT एग्जाम ऑफ इंग्लिश। आई एम योर फेवरेट एजुकेटर प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी, एवरीबडी सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अभी 2 मिनट में आपको वहां मिलूंगी जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द डिफरेंस बिटवीन द 2 लिटरेरी डिवाइसेस कैटाफोरा एंड एनाफोरा। आई होप आपको मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे को भी आपके साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग प्रैक्टिस सेशन के साथ। सो एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय।